बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, आप जीमेल मींस प्ले स्टोर या गूगल का दूसरा अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। जैसे दोस्तों प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको आइकन मिल रहा है, पहले से मींस अकाउंट मौजूद है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये छोटा सा एरो साइड में मिल रहा है, ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड एन अदर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए, मैंने दोबारा क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ऐड एन अदर अकाउंट पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे दोस्तों मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लोडिंग करेगा। लोडिंग करने के बाद आपके सामने आप वेरीफिकेशन का मांगेगा, आपने वेरीफाई इसको कर देना है अपने मोबाइल में। फर्स्ट टाइम वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे दोस्तों ये लोडिंग करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो गौर से देखना है, मैं आपको पूरा तरीका बताने जा रहा हूँ आप दूसरा जीमेल अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बनाने का मुकम्मल तरीका बताऊँ, बाद में ये इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपने वीडियो गौर से देखना है। गौर से देखने के बाद मैं आपको वो भी बता देता हूँ किस तरीके से वो दूसरा ईमेल आप स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये लोडिंग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये देखें अभी आ चुका है। यहाँ पे साइन इन विद ईमेल और फ़ोन नंबर है, तो साइन इन और पासवर्ड लगा के आप नेक्स्ट करके साइन इन कर सकते हैं। लेकिन हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके फॉर माई पर्सनल यूज़ पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लोडिंग करेगा। लोडिंग करने के बाद दो स्टेप्स आपके सामने आ जाएंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक जगह पे भी लिख सकते हैं फर्स्ट नेम में, लेकिन लास्ट नेम में भी रख सकते हैं, वो आपका मर्जी। करने के बाद फिल करने के बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, फिल करें अपना नाम लिखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोडिंग करेगा। लोडिंग करने के बाद यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। जी हाँ दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर देना है और जेंडर आपने सेलेक्ट कर देना है। दोनों में फिल कर लेता हूँ, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपने सही तरीके से देना है, ठीक है। देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़र नेम, ये आपको साइन इन करने वक्त काम देगा। आपने यूज़र नेम देना है, अगर ऑलरेडी से मौजूद है तो आपने थोड़ा चेंजिंग कर देना है। चेंजिंग करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने एक पासवर्ड रखना है। पासवर्ड रखने के बाद रिव्यू योर अकाउंट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। देन आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। आई एग्री पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। बनने के बाद आप इसमें स्विच कैसे होंगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे ये लोडिंग कर रहा है, गूगल सर्विसेज आ चुका है। तो यहाँ पे लोडिंग करने के बाद आपकी प्ले स्टोर में आ चुका है। यहाँ पे आपने फिर इस आइकन को क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस आइकन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उस दूसरे अकाउंट वो जो आपका आ जाएगा एरो पे क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपकी वो अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आप इस तरीके से स्विच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।